जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने जन्माष्टमी का शुभ अवसर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। तो अब श्री कृष्ण की प्यारी और हम सब की लाडली राधा रानी के जन्म उत्सव के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में पाएंगे। राधा अष्टमी का उत्सव भाद्रपद माह की अष्टमी को मनाया जाता है और 2022 में ये उत्सव 4 सितंबर को यानी रविवार के दिन को मनाया जाएगा। अष्टमी का आरंभ 3 सितंबर शनिवार के दिन दोपहर को 12:25 से होगा और ये अगले दिन रविवार को सुबह 10:40 को समाप्त होगा। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्योदय के बाद अष्टमी जो आती है उसी को ही हम राधा अष्टमी मनाते हैं और 2022 में राधा अष्टमी इसी कारण सर हम 4 सितंबर रविवार के दिन मनाएंगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। उन्हें प्रेम की देवी भी कहते हैं क्योंकि उनका प्रेम बहुत ही निर्मल और निस्वार्थ था। वह परम शांत, परम कमनीय और सुशील थी। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण वो श्री कृष्ण स्वरूपा भी है। राधा कृष्ण का प्रेम इस दुनिया से परे है। एक बार कृष्ण ने स्वयं शंकर जी से कहा, हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा रानी का आश्रय ग्रहण करो। और इसी तरह श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना भी करनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि हम सभी वैष्णव भाई बहनों को युगल स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। अब मैं आपको राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। राधा अष्टमी के दिन सुबह सुबह जल्दी से उठ के स्नान करके सूर्य नारायण को जल देकर देवी श्री राधा रानी की पूजा और व्रत का हम संकल्प करेंगे। पूजा के स्थान में हम एक चौकी रखेंगे, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर चौकी के मध्य में श्री देवी राधा और कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करेंगे। फिर हम फूल, अक्षत, चंदन, लाल चंदन, सिंदूर, रोली, सुगंध, धूप, दीप, फल, खीर, मिठाइयों सहित हम देवी राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और देवी राधा रानी की विशेष कृपा पाने के लिए मंत्र का भी जाप करेंगे, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। देवी राधा की पूजा दोपहर के समय की जाती है क्योंकि देवी राधा रानी का जन्म दोपहर के 12 हुआ था। पूजा के बाद अगर हमें व्रत रखना है तो एक समय भी भोजन कर सकते हैं। अगले दिन ब्राह्मणी को भोजन खिलाकर दक्षिणा देनी चाहिए और सुहागन स्त्रियों को सुहाग का सामान भी भेंट करना चाहिए। अब मैं आपको राधा रानी की विशेष कृपा पाने के लिए जो मंत्र का जाप किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो ये मंत्र इस प्रकार है, ओम रेम श्री राधिकाए नमः। मैं वापस दोहरा रही हूँ, ओम रेम श्री राधिकाए नमः। मैंने इस वीडियो में राधा अष्टमी का व्रत सरल तरीके से कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में मंगलमय रहे, इसी आशा के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।